ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्यति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद भगवद गीता के डिस्कशन में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद भगवद गीता एज इट इज चैप्टर 4 और इसके श्लोक संख्या 7 पे चर्चा कर रहे थे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्य आत्मानम सृजाम्य हम। भगवान बोल रहे हैं मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ। तो व्हेनेवर एंड वेयर एवर देयर इज अ डिक्लाइन इन रिलीजियस प्रैक्टिस ओ डिसेंडेड ऑफ भारत एंड अ प्रीडोमिनेंट राइज ऑफ योर रिलीजन एट दैट टाइम आई डिसेंड माई सेल्फ। उस वक्त मैं अपने आप को क्या करता हूँ, अवतरित करता हूँ, प्रकट करता हूँ, जब जब धर्म की ग्लानि हो जाती है तब तब। तो हम लोग पहले पहले अगर आपको थोड़ा सा चर्चा किए थे कि जो धर्म के सिद्धांत हैं वो साक्षात भगवत प्रणीतम होते हैं। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, और इसी धर्म के सिद्धांतों को भगवान स्थापित करने के लिए बारम्बार आते हैं, शास्त्रों की रचना करते हैं, प्रकट करते हैं। और धर्म का सिद्धांत का मतलब क्या है, धर्म का अर्थ क्या है, यहाँ तक हमने चर्चा किया था। हाईएस्ट प्रिंसिपल ऑफ रिलीजन इज टू सरेंडर एंड टू हिम ओनली, भगवान कृष्ण के प्रति समर्पण करना सर्वश्रेष्ठ धर्म के सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत। धर्म का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत क्या है, भगवान को समर्पण करना, क्योंकि धर्म के माध्यम से, वेदों के माध्यम से भगवान को ही समझना उद्देश्य है। और वैदिक प्रिंसिपल्स जो होते हैं, वैदिक शास्त्र हैं बहुत सारे, उसमें ज्ञान है, कर्मकांड, ज्ञान कांड, ध्यान, भक्ति, सब कुछ है। वो जो प्रिंसिपल्स हैं वो व्यक्ति को भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण करने के लिए ही प्रेरित करते हैं। और इसीलिए जब ये जो प्रिंसिपल कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, भगवान को समर्पण करने का ये जो सिद्धांत है, ये जो मुख्य विषय वस्तु है, दिस इज द मेन पॉइंट, तो जब ये इसकी ग्लानी हो जाती है, हाँ, किसके कारण, डिमोनिक राक्षसी आसुरी प्रवृत्ति लोगों के द्वारा, जो कि शास्त्रों के सिद्धांतों को अपने मनमाने तरीके से तहस नहस कर देते हैं, तब भगवान जो है प्रकट होते हैं वापस से धर्म के सही सिद्धांतों को स्थापित कर देते हैं। तब कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे फ्रॉम द भागवतम वी अंडरस्टैंड दैट लॉर्ड बुद्धा इज द इनकार्नेशन ऑफ कृष्णा who appeared when materialism was rampant and materialists were using the pretext of the authority of the Vedas. iska ek udaharan bata rahe hain ki bhagwan krishna buddha ke roop mein aaye jab vedic shastron ko itne itne galat tarike se istemal kiya ja raha hai ki sab log vedic shastron ke aad mein keval bhautik indriya tripti mein lage hue hain aur us waqt aisi sthiti nahi thi bhagwan ne dekha ki aisi sthiti nahi hai कि धर्म के शास्त्रों को रिफॉर्म किया जा सके, मतलब शास्त्रों को रिफॉर्म नहीं, लोगों को रिफॉर्म किया जा सके, मतलब लोगों को वापस से शास्त्रों की सही शिक्षा के लिए प्रेरित किया जा सके, ऐसी स्थिति ही नहीं थी। क्योंकि लोग इतने ज़्यादा जो है इसमें इंद्र तृप्ति के लिए इतने ज़्यादा प्रचुर मात्रा में लिप्त हो चुके थे, तो भगवान को यहाँ तक भी डिसाइड करना पड़ता है कई बार कि शास्त्रों का जो दुरुपयोग किया जा रहा है तो वो ना हो, इसलिए शास्त्रों को ही डिनाई कर देते हैं, भगवान शास्त्रों को ही हटा देते हैं, इसलिए गौतम बुद्ध के रूप में आए और स्थापित किए कि कोई शास्त्र वगैरह की जरूरत नहीं है, ये सब शास्त्र जो है ये सब माइथोलॉजी है, सब कुछ शून्य है, निर्वाण है, और सब कुछ शून्य निर्वाण में जा करके विलीन हो जाएगा। और आप जब तक इस संसार के भौतिक कार्यों में लगे रहोगे तब तक आपको दुख भोगना पड़ेगा। तो इस तरह से लोग जो शास्त्रों के आधार पर बहुत ही ज्यादा पाप करने में लगे हुए थे, तो उनको पाप कर्मों से बचाने के लिए भगवान बुद्ध का अवतार लेके आते हैं। ऑल्दो देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्टिव रूल्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग एनिमल सेक्रीफाइस फॉर पर्टिकुलर पर्पसेस इन द वेदास,
Pupil of demonic tendencies still took to animal sacrifice without reference to the Vedic principles. Lord Buddha appeared in order to stop this nonsense and to establish the Vedic principles of non-violence. Therefore, each and every avatar or incarnation of the Lord has a particular mission, and they are all described in the revealed scriptures. No one should be accepted as an avatar unless he is referred to by the scriptures. तो भगवान इस प्रकार से यहाँ पे गौतम बुद्ध का उदाहरण दिया गया है कि वो आए और इस प्रकार से जो अहिंसा हिंसा किया जा रहा था शास्त्रों के ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ स्क्रिप्चर्स, शास्त्रों का सहारा लेकर के जो हिंसा करने में लगे हुए थे तो उसको बंद करना चाहते थे, इसलिए अहिंसा धर्म को स्थापित किए भगवान। और कोई भी अवतार इस प्रकार से अलग अलग अवतार आते हैं अलग अलग उद्देश्यों की पूर्ति करने के, और कोई भी अवतार हैं इसका प्रमाण प्रमाणिक शास्त्रों से प्राप्त होता है, इनका वर्णन प्रमाणिक प्रमाणिक शास्त्रों में दिया होता है। तो किसी भी व्यक्ति को कोई कितना भी शक्तिशाली हो जाए, कितना भी जादू मैजिक सिद्धियों को प्रकट करे, उसको अवतार नहीं माना जा सकता है भगवान का जब तक वो शास्त्रों के द्वारा रेफर न किया गया हो, शास्त्रों में उसका वर्णन ना किया गया हो तब तक। आज के समय में ऐसे बहुत सारे ढोंगी अवतार हो जाते हैं और फिर कालांतर में लोग जो है इतने इस हद तक मूर्ख हो जाते हैं कि फिर उनका पूजा पाठ करना चालू कर देते हैं। ऐसे कई जो हैं जो जिनका शास्त्रों में नाम ही नहीं है, वर्णन ही नहीं है, ऐसे भगवान को लोग भगवान बना के पूजा करते हैं, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि जो भी भगवान आते हैं अवतार आते हैं जो शास्त्रों में उनका रेफरेंस रहता ही रहता है, वर्णन रहता है, कब आते हैं, कहाँ पे आते हैं, किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आते हैं, कैसे दिखते हैं, सब कुछ वर्णन रहता है, उनका बॉडली फीचर कैसा रहता है वो भी सब वर्णन रहता है। भगवान का कोई भी अवतार अभी तक हमने नहीं सुना है कि जो बहुत बूढ़ा बूढ़ा अवतार हो, बड़ी बड़ी दाढ़ी हो, ऐसा तो सुनने में नहीं आया। भगवान का कैसा भी अवतार आता है बहुत सुंदर दिखते हैं वहाँ, कमल नयन, हस्त कमल, चरण कमल, कमल नाभि, ऐसा वर्णन है। और उनके जो महापुरुष के शरीर में जो 32 लक्षण पाए जाते हैं वो सब प्रकट होते हैं। तो ये सब चिन्ह भी हैं शास्त्रों में रेफरेंस दिया गया, मतलब शास्त्रों में फिर ऐसे अवतारों के स्वरूप का भी वर्णन होता है, उनके गुणों का वर्णन होता है, वो क्या क्या कार्य करेंगे ये सब भी वर्णन प्राप्त होता है, और कहाँ पे जन्म लेंगे और उनके माँ बाप का नाम, ये सारी चीज़ें वर्णन रहती है। तो कोई कुछ चीज़ों को हो सकता है एडजस्ट कर ले, झूठ मूठ का बना दें, लेकिन सारी चीज़ें हर कोई नहीं कर सकता है जब तक सच में अवतार ना हो। इसलिए बुद्धिमान लोगों को किसी को अवतार स्वीकार करने के पहले देखना चाहिए कि शास्त्र में है कि नहीं, अगर शास्त्र में नहीं है तो फिर वो उस प्रकार का पूजा करने का कोई कोई लाभ नहीं, वो जस्ट एक व्यर्थ है, वेस्ट ऑफ टाइम है। इट इज़ नॉट अ फैक्ट दैट द लॉर्ड अपियर्स ओनली ऑन इंडियन सोयल, ये भी एक कन्फ्यूजन रहता है, कई लोग प्रश्न पूछते हैं कि भगवान का अवतार केवल भारत में ही क्यों होता है, लेकिन ये भी सही नहीं है। भगवान का अवतार केवल भारतवर्ष में नहीं होता है, भारतवर्ष में विशेष अवतार होते हैं, जैसे कृष्ण है, भगवान रामचंद्र आते हैं, क्योंकि ये भारतवर्ष अति अतीव पुण्य भूमि है, यहाँ पे भक्त लोग रहते हैं। लेकिन भगवान के और भी कई ऐसे अवतार हैं जो पृथ्वी में अन्य जगह भी होते हैं, और न केवल पृथ्वी ग्रह में, अन्य ग्रहों में भी आते हैं भगवान। वामन अवतार तो स्वर्ग लोक में प्रकट हुए, तो ऐसे मनवंतर अवतार भी अलग अलग लोकों में प्रकट होते हैं, ऐसे अनेकों अवतार हैं भगवान के, हंस अवतार, वराह अवतार, मत्स्य अवतार, ये सब इतने सारे अलग अलग अवतार हैं, वो अलग अलग जगह प्रकट होते हैं। और भगवान इनफैक्ट हमारे पास जो शास्त्र हैं वेद व्यास जी ने दिए हैं, तो हमको हमारे पास केवल वो लिमिटेड अवतार का ही वर्णन प्राप्त होता है, सीमित अवतार का वर्णन दिया गया है जो हम मनुष्य समाज से संबंधित हैं, जिनके बारे में सुन करके हमको शिक्षा लेकर के लाभ उठा सकते हैं, अन्यथा भगवान के अवतार तो असंख्य हैं। केवल अगर सारे अवतारों का नाम लिखने भी जाएंगे ना तो सारे शास्त्र तो कम पड़ जाएंगे नाम बस लेने में, फिर उनके बारे में जानना तो दूर की बात है, कौन समझ पाएगा, ऐसे अनगिनत अवतार हैं। ही कैन मैनिफेस्ट हिमसेल्फ एनीवेयर एंड एवरीवेयर एंड व्हेनेवर ही डिजायर्स टू अपीयर इन ईच एंड एवरी इनकार्नेशन ही स्पीक्स एज मच अबाउट रिलीजन एज कैन बी अंडरस्टूड बाय द पर्टिकुलर पीपल अंडर देयर पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस बट द मिशन इज द सेम टू लीड पीपल टू गॉड कॉन्शियसनेस एंड ओबीडियंस टू द प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन। Sometimes he descends personally and sometimes he sends his bona fide representative in the form of his son or servant or himself in some disguised form, जैसे चैतन्य महाप्रभु। तो भगवान इस प्रकार से अपनी स्वेच्छा से जब जब उनको ऐसा प्रतीत होता है कि धर्म की ग्लानि होती जा रही है तो भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं,
एक ही मिशन रहता है, अलग अलग प्रकार से अलग अलग तरीके से प्रकट होते हैं और अलग अलग प्रकार से धर्म के सिद्धांतों को शिक्षा देते हैं, लेकिन उद्देश्य एक ही रहता है कि लोगों को कृष्ण भावनामृत की तरफ और भगवान के जो धर्म के सिद्धांत हैं उनको पालन करने के लिए प्रेरित करने के लिए। तो कभी कभी भगवान स्वयं आते हैं और कभी कभी जब जरूरत पड़ती है तो भगवान अपने अपने जो सेवकों को, अपने नित्य पार्षदों को भी भेजते हैं ये कार्य धर्म की स्थापना करने के लिए। तो उनको भगवान इम्पावर करते हैं, इम्पावर मतलब उनको भगवान शक्ति प्रदान करते हैं। तो ऐसे जो भक्त विशेष प्रकार की शक्ति प्राप्त करके जो भक्त भी आते हैं कभी कभी, जो धर्म की स्थापना करते हैं और कुछ असाधारण तरीके से कार्य कर देते हैं, रिवोल्यूशन क्रांति ला देते हैं, तो उनको भगवान का शक्त्यावेश अवतार बोला जाता है। हाँ, भगवान अपनी शक्ति संचारित करके उनके द्वारा बहुत सारे कार्य करवाते हैं। जैसे नारद मुनि भगवान के भक्ति शक्ति के शक्त्यावेश अवतार हैं। वेद व्यास जी साहित्य का अवतार माने जाते हैं, यानी ग्रंथों का, शास्त्रों का रचना करने वाले अवतार हैं। इसी तरह ब्रह्मा जी जो है क्रिएशन शक्ति, क्रिएटिव एनर्जी, जो है सृष्टि शक्ति के शक्त्यावेश अवतार हैं। पृथु महाराज भगवान के राजकीय शक्ति, राज्य करने की शक्ति के अवतार हैं। चतुष कुमार भगवान के ज्ञान शक्ति के अवतार हैं, ज्ञान शक्ति उनको दे करके जो है भगवान उनको भेजते हैं। इस प्रकार से अनेकों अनेकों भक्त को भी कई बार भगवान भेजते हैं, लेकिन उद्देश्य सेम रहता है। द प्रिंसिपल्स ऑफ द भगवत गीता वर स्पोकन टू अर्जुन एंड फॉर फॉर दैट मैटर टू अदर हाईली एलिवेटेड पर्सन्स बिकॉज ही वॉज हाईली एडवांस्ड कंपेयर टू ऑर्डिनरी पर्सन्स इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। 2 + 2 = 4 इज अ मैथमेटिकल प्रिंसिपल दैट इज ट्रू इन द बिगिनर्स अर्थमेटिक क्लास एंड इन द एडवांस क्लास एज वेल। स्टिल देर आर हायर एंड लोअर मैथमेटिक्स इन ऑल इनकार्नेशंस ऑफ द लॉर्ड। देयर फॉर द सेम प्रिंसिपल्स आर टॉट बट दे अपियर टू बी हायर एंड लोअर इन वेरिड सर्कमस्टेंस। द हायर प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन बिगिन विद द एक्सेप्टेंस ऑफ द फोर ऑर्डर एंड फोर स्टेटसेस ऑफ सोशल लाइफ एज विल बी एक्सप्लेन लेटर। चातुर्वर्णम मया सृष्टम भगवान आगे बताएंगे। बट द होल पर्पज ऑफ द मिशन ऑफ इनकार्नेशन इज टू अराउज कृष्ण कॉन्शियसनेस एवरीवेयर। सच कॉन्शियसनेस इज मैनिफेस्ट एंड नॉन मैनिफेस्ट ओनली अंडर डिफरेंट सर्कमस्टेंस। इस प्रकार से यदा यदा ही, मतलब वेयर एवर एंड वेन एवर, जहां जहां भी और जब जब भी भगवान देखते हैं कि धर्म की ग्लानि हो रही, ना केवल भारतवर्ष में बल्कि हर जगह भगवान, तो वहां पे प्रकट होते हैं। स्पेशली जब भगवान जो पूर्ण रूप से शुद्ध भक्ति के लिए जब आते हैं तो स्वयं आते हैं, जैसे भगवान कृष्ण है, चैतन्य महाप्रभु है, भगवान रामचंद्र है। लेकिन जब कोई ऐसी परिस्थिति, ऐसे देश होते हैं जहाँ पे लोग शुद्ध भक्ति को स्वीकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनको उनके हृदय में भी गॉड कॉन्शियसनेस, भगवत चेतना को प्रेरित करने के लिए भगवान वहां पे भी आते हैं, लेकिन अपने शक्त्यावेश अवतार के रूप में आते हैं, अपने किसी जो है कॉन्फिडेंशियल एसोसिएट प्रतिनिधि को भेजते हैं। तो वो उस वक्त भगवान की शक्ति को प्राप्त करके उतना ही धर्म के सिद्धांत को बताते हैं जितना वहाँ के लोग उस वक्त स्वीकार कर सके और आगे बढ़ सके। हाँ, जैसे क्रिश्चियनिटी, जीसस क्राइस्ट और इस्लाम है, मोहम्मद है, तो ये भी भगवान के द्वारा भेजे गए हैं, भगवान के शक्त्यावेश अवतार हैं ये दोनों। लेकिन इन्होंने केवल उतना ही प्रचार किया जितना उस समाज के लोग उसको स्वीकार कर सके, क्योंकि डायरेक्ट आके अगर बोलेंगे हरे कृष्णा जप करो तो हरे कृष्णा कौन जप करने वाला है। जीसस क्राइस्ट ने तो, उन्होंने तो बस इतना बोला कि भाई ये मॉरल प्रिंसिपल से इसको पालन कर लो, चोरी मत करो एक दूसरे के, हाँ, किसी भी जानवर को काट के मत खाओ, और इस प्रकार के बेसिक प्रिंसिपल सिखाए। भगवान को हमेशा स्वीकार करो कि सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है, भगवान ने इच्छा किया तो इसलिए सृष्टि है। तो इस प्रकार से बेसिक प्रिंसिपल सिखाए, उसके लिए उनको लोगों ने सूली पे टांग दिया। अगर वो ये बोल देते एक बार भी कि सब कुछ छोड़ के सर्वधर्मान परित्यज्य कृष्ण एकम शरणम, अगर बोल देते तब तो पता नहीं क्या करते। इसी प्रकार से मोहम्मद ने भी जिन लोगों को शिक्षा दिया वो कैसे कैटेगरी के लोग थे। मोहम्मद को ये बोलना पड़ा कि भाई आप लोग इस तरह के पाप मत करो, तो आप देखेंगे जीसस क्राइस्ट और मोहम्मद ने जो शिक्षा दिया है बेसिकली लोगों को जो पाप कर्म है उससे मुक्त करने के लिए, एक अच्छा इंसान बना करके भगवान के प्रति झुकाने का प्रयास किए हैं। लेकिन भगवान कृष्ण जब अर्जुन को शिक्षा देते हैं तो वहां पे भगवान कृष्ण कहीं ये नहीं बोलते कि मांसाहार मत करो, अवैध संबंध मत रखो, नशा मत करो। अर्जुन ये सब तो पहले ही नहीं करता था, अर्जुन पहले ही हाईली एलिवेटेड सोल था।
तो अर्जुन को भगवान ने क्या किया, कंप्लीट नॉलेज प्रदान कर दिया, पूरा भगवत भक्ति को ही प्रदान कर दिया। तो इस प्रकार के कैसे भगवान स्वयं आ जाते हैं, अन्यथा कहीं कहीं भगवान अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज देते हैं जो उदाहरण। लेकिन धर्म के सिद्धांत वही रहते हैं, सिद्धांत वही है कि जो जिस अवस्था में है उसको भगवान की तरफ आगे बढ़ाना है। जैसे छोटा बच्चा होता है तो उसको उसके स्तर से उठा करके मैथ सिखाया जाता है, तो उसको जो है 1 2 3 सिखाएंगे, टेबल सिखाएंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखाया जाएगा, प्रिंसिपल्स वही है मैथ्स के। और जो 10th स्टैंडर्ड में स्टूडेंट है, फिर 12th में है, कॉलेज में है, तो उसको हायर प्रिंसिपल्स मैथमेटिक्स से सिखाएंगे। तो जो लोअर प्रिंसिपल्स वो ऑलरेडी हायर प्रिंसिपल हायर क्लासेस में होते ही है। एक दूसरा एग्जाम्पल भी देते हैं, जैसे डिक्शनरी है, पॉकेट डिक्शनरी और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। तो जितने सारे वर्ड्स पॉकेट डिक्शनरी में हो, दोनों ही डिक्शनरी हैं और दोनों ही व्यक्ति को हेल्प करते हैं वोकेबुलरी डेवलप करने के लिए और जानने के लिए। तो लेकिन जो पॉकेट डिक्शनरी में जितने शब्द हैं वो सारे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में होते हैं, लेकिन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जितने हैं वो सारे पॉकेट में हो, पॉकेट डिक्शनरी में हो, ये जरूरी नहीं। तो इसी प्रकार से अन्य जितने भी धर्म हैं इस पूरे पृथ्वी में, बोनाफाइड रिलीजन जो किसी भगवान के प्रतिनिधि के द्वारा बनाए बताए गए हैं, जिनका शास्त्रों में वर्णन होता है, तो उनके जो धर्म के सिद्धांत हैं वो सब जो है सनातन धर्म के सिद्धांत में होते हैं। ये सनातन धर्म में एक्स्ट्रा होते हैं भगवान की भक्ति के लिए, भगवान की भक्ति को कैसे प्राप्त करना है वो सारे प्रिंसिपल्स भी होते हैं। इसलिए कंप्लीट पैकेज देता है भगवद गीता का ज्ञान। और इसका प्रमाण शास्त्रों में भी है। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि अर्जुन, ये जो मैं तुमको ज्ञान दे रहा हूँ, इसको जानने के बाद कुछ और नहीं बचेगा, कुछ और अवशेष नहीं रह जाएगा जानने के लिए। ये जान लिया तुमने तो सब कंप्लीट हो गया। वहीं जीसस क्राइस्ट जब अपने शिष्यों को बोलते हैं अंतिम समय में, जीसस क्राइस्ट बोलते हैं कि मुझे धर्म के बारे में बताने के लिए अभी बहुत कुछ है, आप लोगों को बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अभी आप उसको स्वीकार नहीं कर पाएंगे, आप सहन नहीं कर पाएंगे वो सारी चीजें। इसलिए जितना मैंने अभी बताया है आप उसको पालन करते रहो, उसको अच्छे से पालन करेंगे तो आप धीरे धीरे प्रगति कर सकते हैं। इसलिए हम लोग देखते हैं कि जो जो क्रिश्चियनिटी के प्रिंसिपल्स को अच्छे से पालन करता है, जीसस क्राइस्ट के कमांडमेंट्स को, तो वो फिर धीरे धीरे कालांतर में कृष्ण भक्त बनता है। इसलिए प्रभुपाद जी जब विदेशों में प्रचार कर रहे थे तो प्रभुपाद जी बोले कि हम यहाँ पे कन्वर्जन करने के लिए नहीं आए, ये गलत फहमी में मत रहिए, हम क्रिश्चियन को हिंदू मुस्लिम को हिंदू बनाने के लिए नहीं आए, हम आपको बेस्ट बेस्ट क्रिश्चियन बनाना चाहते, हम आपको बेस्ट मुस्लिम बनाना चाहते। हाँ, अब वो कैसे बन सकते हैं आप बेस्ट? इफ़ यू बिकम डिवोटी ऑफ कृष्णा, अगर आप भगवद गीता भागवत के शिक्षाओं को स्वीकार करके कृष्ण के भक्त बन जाते हैं, देन यू बिकम द बेस्ट क्रिश्चियन एंड यू बिकम द बेस्ट मुस्लिम। हाँ, इसलिए प्रभुपाद जी डिक्लेयर करते हैं कि वी आर एक्चुअल क्रिश्चियंस, हम लोग वास्तविक क्रिश्चियन। अब यहाँ तक कि पादरी लोग होते थे, वो लोग जब चैलेंज करते थे प्रभुपाद जी को, तो प्रभुपाद जी पूरा बोल्डली बोलते थे कि आई डू नॉट फाइंड इवन अ सिंगल ट्रू क्रिश्चियन इन योर कंट्री, आपके देश में हम मुझे एक भी असली क्रिश्चियन नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि आप जीसस क्राइस्ट के कमांडमेंट को फॉलो ही नहीं करते। जीसस क्राइस्ट ने बोला दाउ शैल नॉट किल, बट यू आर एक्सपर्ट इन किलिंग। प्रभुपाद जी बहुत धोते थे, इसी पॉइंट को पकड़ के प्रभुपाद जी बस क्लियर कर देते थे, काम तमाम कर देते थे, बाकी सब डिस्कशन बाद में। पहले आप ये बताओ कि आप क्यों मारते हैं, हत्या क्यों करते हैं, गाय को क्यों मारते हैं? जीसस क्राइस्ट ने कहाँ बोला? जीसस क्राइस्ट तो बोले किसी भी जीव की हत्या नहीं करना है, तो आप गाय की हत्या कर रहे हैं, स्लॉटर हाउस खोल रहे हैं, मांसाहार कर रहे हैं, आप पादरी हैं, आप प्रीस्ट हैं, आप प्रीस्ट होकर के आप ये कार्य कर रहे हैं, तो बाकी लोग का फिर क्या बोलेंगे? तो ये इस प्रकार से प्रभुपाद जी हिट करते थे, और इसलिए यही कारण है कि प्रभुपाद जी का प्रीचिंग बहुत सफल रहा। प्रभुपाद जी ने कोई लालच नहीं दिया और कोई ऐसा वो एक्सटर्नल बाहरी कोई शक्ति नहीं जिससे डरा के धर्म का परिवर्तन करा सके। प्रभुपाद जी सिंपल लॉजिक बोले, सिंपल चीज बताए उनको कि हम जो ये गीता भागवत के सनातन धर्म को आपको दे रहे हैं, इसमें ऑलरेडी क्रिश्चियनिटी इंक्लूडेड है, जीसस क्राइस्ट के जो सिद्धांत है इसमें ऑलरेडी हैं, तो इसलिए आप इसको स्वीकार करिए, और जब आप इसको स्वीकार करते तो आप और एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, आप कृष्ण भक्ति की तरफ बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से भगवान खुद प्रकट होते हैं धर्म के सही सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करने के लिए, और फिर समय समय से अपने जो ट्रू प्रेजेंट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं अपने भक्तों को भेज करके भगवान उसी कार्य को और आगे बढ़ाते हैं। और फिर भगवान के और अल्टीमेट प्रिंसिपल क्या है? द अल्टीमेट हाईएस्ट प्रिंसिपल ऑफ रिलीजन इज
कंप्लीटली सरेंडर एंड टू कृष्ण। भगवान कृष्ण के प्रति जब कोई पूर्ण रूप से शरणागत हो जाता है तो इसका मतलब वो धर्म की सर्वोच्च अवस्था में चला जाता है, धर्म की जो सर्वश्रेष्ठ स्थिति होती है कृष्ण को आके समर्पण कर। ओके, तो यहीं पे हम लोग विराम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण कृष्णा, धन्यवाद। प्रणाम प्रभु। प्रणाम प्रभु जी, युधिष्ठिर ने जब अंतिम समय में कृष्ण से पूछा कि मेरे कारण इतना बड़ा युद्ध हुआ और इस युद्ध में 64 करोड़ लोग मारे गए, इतने परिवार बेकार हो गए, इतने विवाह हो गई औरता, तो फिर ये सब का जिम्मेदारी मेरी थी, तो वो उन्होंने अपने ऊपर पूरी जिम्मेदारी लेने के बाद वो स्वर्ग के और प्रस्थान करने लगे, तपस्या करने के लिए और ये प्राप्त होने के लिए। जबकि भगवान ने अर्जुन को ऐसा बोला था कि इस जगह पे जितने लोग मारे जाएंगे, ये धर्म क्षेत्र है, यहाँ पर जो भी मारा जाएगा वो धर्म के लिए मारा जाएगा, इसलिए पाप समझ गया, समझ गया, समझ गया। तो देखिए, जो वैष्णव होते हैं, शुद्ध वैष्णव स्पेशली, यस प्रभु जी, तो ये बात सही है। भगवान कृष्ण के प्रेजेंस में, उपस्थिति में जो भी महाभारत के युद्ध में उनका दर्शन करते हुए शरीर छोड़े, तो वो सब लोग को जो है मुक्ति प्राप्त हुई है। जो भगवान के भक्त थे वो तो वैकुंठ प्राप्त किए, जो भक्त नहीं थे उनको जो है सायुज मुक्ति मिल जाती है। लेकिन युधिष्ठिर महाराज भक्त होने के नाते वो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले रहे हैं कि ये सब इतने सारे करोड़ों लोग मारे गए केवल मेरे मैंने इच्छा मेरे कारण कि मैं इस राज्य को प्राप्त करना चाहता था। तो वैष्णव जो होता है बहुत ही विनम्र होने के कारण जो भी हानि होती है, दुख दिखता है, उसको अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है। ठीक है, तो उनका भाव है युधिष्ठिर महाराज का। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यस, आराधना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। जैसे हम अभी इस्कॉन में या फिर कृष्ण भक्ति में 1-1.5 साल से जुड़े हैं, तो उससे पहले हमें कोई गलती की है तो फिर इसकी सजा भी मिलेगी तो सही है ना प्रभु जी? किसी का या नहीं, वो भगवान, वो भगवान माफ कर देंगे, क्योंकि भक्ति में आने के पहले हमको पता नहीं था, जाने अनजाने में कुछ पाप अपराध कर दिए, भगवान उसकी गारंटी देते हैं कि आप मेरा पूर्ण शरणागत लेते हैं और अब आगे से अब आप कोई पाप नहीं करते हैं तो मैं क्षमा कर दूंगा, तो उसका टेंशन मत लीजिए, अब मत करिए, जानने के बाद अब हमको नहीं करना चाहिए। थैंक यू प्रभु जी। यस, निमेश, निमेश प्रो। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु, मैंने सुना था कि भगवान शिव जी भगवान कृष्ण के तमोगुणी अवतार है, मतलब शिवजी तमोगुणी नहीं है, शिवजी तमोगुण प्रकृति का जो तमोगुण है ना उसके इंचार्ज हैं, वो उसको हैंडल करते हैं, लेकिन वो खुद तमोगुण में नहीं है। ठीक है, शिवजी हमेशा तीनों गुणों के परे विशुद्ध सत्व और सत्व गुण में रहते हैं, विशुद्ध सत्व गुण में रहते हैं, वो भगवान के महान भक्त हैं। भगवान कृष्ण के एक्सपांशन इनकारनेशन है शिवजी? यस हाँ, भगवान कृष्ण के विस्तार है, एक्सपेंशन है इस सृष्टि, भौतिक सृष्टि को जो है हैंडल करने के लिए। और एक बात और थी प्रभु जी की, जैसे जब अज्ञान में होते हैं तो पाप कर देते हैं, बट जब हम शास्त्रों का ज्ञान हो जाता है स्टिल, तभी भी अगर कोई पश्चाताप किया कि भाई मेरा पाप हो गया अभी मैं नहीं करूंगा ज्ञान होने के बाद, बट स्टिल वो पाप करता है, फिर और पश्चाताप करता है, फिर वो फिर पाप करता है, तो उसका कैसा होगा? तो देखिए, जानबूझ के नहीं करना चाहिए कोई भी पाप, स्पेशली अगर आप जब भक्ति में आ जाते हैं आपको पता चल जाता है कि नियम पालन करना जरूरी है, तो जानबूझ के नहीं करना चाहिए। अगर जानबूझ के कोई करता है तो वो एक महान अपराध होता है और उसका उसको रिजल्ट भोगना पड़ता है। लेकिन अगर कोई भक्त है जो कि सिंसियरली इच्छा करता है कि वो इन सारे पापों से मुक्त होकर के भगवान का भक्ति करना चाहता है, लेकिन क्योंकि पिछली आदतें होने के कारण इनर्शिया होता है, इनर्शिया के कारण वो कई बार ना चाहते हुए भी अचानक से कभी कभी कुछ पाप हो जाता है, तो वो भगवान क्षमा कर देते हैं अगर वो अचानक से एक्सीडेंटली हुआ है और उसका इच्छा नहीं है, और दूसरा वो उसको इम्प्रूव करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है और जो भी जरूरत रहती है, यानी भगवान के ज्यादा नाम का जप करना, भक्तों का संग करना, सेवा करना, इस प्रकार से अपने आप को इंगेज करके उस प्रकार के पापमय प्रवृत्तियों से अपने आप को मुक्त करना चाहता है, तो भगवान उसको फिर क्षमा कर देते हैं। ठीक है, भक्ति में आने के बाद अगर ज्ञान होकर भी कोई इंटेंशनली पाप, हाँ, भक्ति में आने के बाद ज्ञान होते हुए भी अगर अनइंटेंशनली हो रहा है, एक्सीडेंटली हो रहा है, तो भगवान क्षमा कर देते, लेकिन अगर जानबूझ के कर रहा है कोई तो फिर अपराध में काउंट हो जाता है। ठीक है, इसे जानबूझ के नहीं करना चाहिए। तो अभी समय हो गया है, तो बाकी प्रश्न।
प्रभु जी फिर जानबूझ के अगर उसने कर दिया, फिर लेटर ही रियलाइज कि हमको नहीं करना चाहिए था, तो उसका पश्चाताप है क्या? हाँ, उसका पश्चाताप है उसको, फिर कंटिन्यूअसली हरे कृष्ण महामंत्र जप करना चाहिए और भगवान को प्रार्थना करना चाहिए, क्षमा याचना करना चाहिए और प्रॉमिस करना चाहिए कि अब मैं ध्यान रखूंगा, मैं नहीं करूंगा और इस प्रकार के पाप ना हो, इसके लिए जो जरूरत है ऐसे फेवरेबल सिचुएशन में जाना चाहिए, यानी भक्तों का संग लेना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। ठीक है।